खबर है, गृह जिला स्थानांतरण की मांग फिर हुई थी। जी हां, मोराबादी मैदान में शिक्षकों ने एक बैठक की है। गृह जिला स्थानांतरण नियमावली को जल्द बनाने की मांग कर रहे हैं ये लोग, और मांगे पूरी नहीं हुई तो सामूहिक इस्तीफा भी देंगे, ये शिक्षक संघ का कहना है। यानी कि अपने जिले में वो पदस्थापित हो, ये मांग लगातार शिक्षकों की ओर से की जा रही है। कहा शिक्षकों का कहना है कि गृह जिला में स्थानांतरण होने का सबसे अच्छा फायदा जो होगा वो ये होगा कि वो सही तरीके से और पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपना काम कर पाएंगे, यानी कि स्कूलों में पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चिंताएं हैं, उससे वो मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि वो घर से आना जाना करेंगे और गृह जिले में होंगे। और अजय लाल इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। अजय लाल जी, क्या कुछ मामला है ये कौन से शिक्षक है, दिव्यांगों की बात हो रही थी या कौन से शिक्षक संघ की बात है, या तमाम शिक्षक इसमें जुड़े हुए हैं इस मांग में? देखिए पंकज, ये जो शिक्षक हैं ये तमाम सरकारी शिक्षक हैं, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक हैं, माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक हैं। ये पिछले कई सालों से ये सरकार की ही बात रही, सरकार का ही ये कहना था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो जो गृह जिला है, यानी सरकार का यह मानना था, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का यह मानना है कि तमाम ऐसे शिक्षक जो कि किसी दूसरे जिले में पदस्थापित हैं, यदि उनको उसी जिले में पदस्थापित कर दिया जाए तो कम से कम स्कूलों पर वो ध्यान दे पाएंगे, बच्चों का पठन पाठन साथ में वो ज्यादा दिलचस्पी ले पाएंगे। अभी तक हो ये रहा है पंकज की हजारीबाग के शिक्षक की नियुक्ति लातेहार में हो गई है, लातेहार के शिक्षक रांची में है, रांची के शिक्षक हजारीबाग में है, सिमडेगा में है। सरकार की मंशा रही थी तमाम शिक्षकों को गृह जिला में ही स्थानांतरित करके उन्हें पदस्थापित कर दें, जिससे कि शिक्षक अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा सके। लेकिन इस मामले में सरकार गंभीर है, लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन अचानक से कुछ हो जाना थोड़ी समस्या है। लेकिन यह तय मानकर चलिए कि शिक्षक यह चाहते हैं कि उनका गृह जिला में स्थानांतरण हो जाए। और आप भी थोड़ी देर पहले हमारी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से बातचीत हुई, उनका कहना है कि रातों रात कोई चीज नहीं बदल जाती है, सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है, देर हो रही है क्योंकि कोविड में कई प्रकार के काम थे जो नहीं हो पाए। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि उनकी मांगे जायज है और वो मांग ना भी करें, इस सरकार ने खुद से इनिशिएटिव दिया था कि शिक्षकों का ट्रांसफर उनके गृह जिला में किया जाए। लिहाजा यह कहना कि शिक्षकों की मांग है, शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की मांग नहीं रही है बल्कि सरकार की प्राथमिकता रही है। लिहाजा शिक्षकों से उन्होंने कहा है कि आप धैर्य रखें। आपसे थोड़ी देर पहले मोराबादी मैदान में ऐसे शिक्षक बैठे हुए तो उन्होंने कहा कि बहुत देर हो रही है, कम से कम सरकार को नियमावली बना देनी चाहिए, और शिक्षकों की नियुक्ति में नियमावली भी है, 5 साल के बाद शिक्षकों को उनके गृह जिला में भेज दिया जाएगा। उम्मीद शिक्षक कर रहे हैं कि सरकार से बहुत उम्मीद है, लोगों को जगन्नाथ महतो से उम्मीद है, लिहाजा ऐसे शिक्षकों का गृह जिला ट्रांसफर होगा। देर हो रही है लेकिन होगा जरूर पंकज। तो अजय लाल जी, ये बताइए कि जो आज ये धरना दिया जा रहा है या बैठक जो भी आप कह लिए है, तो ये सांकेतिक है क्या, आगे भी इनका ये प्रदर्शन विरोध जारी रहेगा या कोई अल्टीमेटम दे रहे हैं? प्रदर्शन और कोई बड़े आंदोलन का निर्णय तो उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन इससे पहले तमाम लोगों ने शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव जरूर किया था, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा का त्योहार शुरू हो रहा है, स्कूल बंद है, तो शिक्षकों का ये कहना था कि बैठक करके सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। शिक्षकों ने यह भी कहा है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि होता ये है कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो कि शिक्षण कार्य से अलग दूसरे कार्यों में लगाए जाते हैं, ऐसे शिक्षकों को भी समस्या होती है। और दूसरी बात यह भी, सरकार का यह भी कहना था यदि पति पत्नी दोनों शिक्षक है तो वो दोनों एक ही जिला में जो च्वाइस करेंगे उन्हें भेजा जाएगा। ये तमाम बातें हुई थी लेकिन अब तक ये चीजें धरातल पर नहीं उतर पाई है, लिहाजा शिक्षकों में आक्रोश है पंकज। तो क्या सरकार की ओर से, यानी कि शिक्षा विभाग की ओर से ऐसा कोई डेटा भी तैयार किया गया कि कितने शिक्षक, कितने प्रतिशत शिक्षक जो है वो गृह जिले में स्थानांतरित नहीं है बल्कि दूसरी जगह पदस्थापित है? देखिए कम से कम इनका आंकड़ा मुझे लगता है कि 45,000 से 40,000 के आसपास जरूर रहा होगा, क्योंकि जितने भी शिक्षक है, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक है, माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक है, प्रोजेक्ट विद्यालयों के भी शिक्षक है, इनकी संख्या 40,000 के आसपास जरूर होगी। और सबसे दुर्भाग्य यह है पंकज कि शिक्षा विभाग में पिछले 3 सालों से किसी भी शिक्षक का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो पा रहा है, पता नहीं वो कौन सी वजह है, अधिकारी क्यों
बीमारी से पीड़ित है। बिल्कुल कई ऐसे शिक्षक है पंकज जो कि दिव्यांग है, उन्होंने भी अपना आवेदन दे रखा है। शिक्षा विभाग में करीब 4,500 आवेदन शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए पड़े हुए हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर सरकार को या फिर अधिकारी को ये लगता है कि शिक्षकों का ट्रांसफर मधुमक्खी का छत्ता है, छूने से आग भड़क जाएगी। और इसीलिए जो जनरल शिक्षक है जिनका तबादला हर हाल में किया जाना चाहिए, ऐसे शिक्षकों का भी ट्रांसफर नहीं होता है। बिल्कुल पहले मुझे लगता है कि 2017 में इससे पहले शिक्षकों के कोई ट्रांसफर हुए थे और उसके बाद से लगातार शिक्षकों का ट्रांसफर बंद है, जबकि कई अन्य विभाग हैं जो कि अपने अधिकारियों का अपने कर्मचारियों का जून और दिसंबर के महीने में नियमित ट्रांसफर कोशिश करता रहा। शिक्षा विभाग पता नहीं क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठा है पंकज। चलिए बहुत शुक्रिया अजय लाल, हमारे साथ जुड़े आप और आपने जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से शिक्षकों की मांग है, और ये मांग कोई आज की नहीं बल्कि लंबे समय से, और ये इसकी तैयारी खुद शिक्षा विभाग की ओर से भी की जा रही थी कि जो ग्रीस जिला में स्थानांतरित किया जाएगा उन शिक्षकों। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।